बद्रीनाथ विधानसभा उप निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। इसके तहत ही जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने जानकारी देते हुए बताया कि बद्रीनाथ उपचुनाव के मद्देनजर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है, साथ ही FST टीमें गठित कर बाहर से आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि बद्रीनाथ पोलिंग कार्मिकों का पहला रैंडमाइजेशन भी किया जा चुका है। वहीं इसके आगे उन्होंने बताया कि मतदान कार्मिकों को 22 जून को PG कॉलेज गोपेश्वर में पहला प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके चलते सॉफ्टवेयर रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से बद्रीनाथ विधानसभा के 210 मतदेय स्थलों के लिए 1280 कार्मिकों का चयन किया गया है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। ये उपचुनाव की घोषणा जो है निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले सप्ताह की गई थी, उसके क्रम में जो भी शुरू के 24 घंटे 48 घंटे और 72 घंटे की जो कार्रवाई होती है वो बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत और संपूर्ण जनपद में, क्योंकि आचार संहिता लागू है तो उसको लागू कर दिया गया है। अभी नामांकन की प्रक्रिया गतिमान है जो 21 तारीख तक रहेगी, उसके बाद जो उसकी समीक्षा है और नाम वापसी और जो अन्य कार्य हैं, जैसे जो हमारे दिव्यांग और जो हमारे 85 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता हैं उनके लिए जो होम वोटिंग की कार्रवाई है वो भी की जाएगी। साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं जिनकी तैनाती की गई है उनके लिए डाक मतपत्र, और जो हमारे सर्विस वोटर हैं उनको भी जो उनके डाक मतपत्र हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रेषित किए जाएंगे, और फिर वो हमें काउंटिंग से जो प्रूफ प्राप्त होंगे उनको मतदान में सम्मिलित किया जाएगा। सभी विभागों के साथ, नोडल अधिकारियों के साथ हमने विस्तृत हमने बैठक कर ली है और सबको निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सभी जो टीम है वो तत्परता से सभी कार्य कर रही हैं, और हमारा उद्देश्य यही है कि फ्री एंड फेयर हम बाई इलेक्शन आयोजित हम चंद्रजनपद में करें।